पाकिस्तानी फलाही इदारे ने 3 कमसन फलस्तीनी बच्चों की कफालत का जिम्मा उठा लिया है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के फलाही इदारे खबीब फाउंडेशन ने फलस्तीन में इसराइली जहरियत से यतीम होने वाले बच्चे बरा साबिर सलेमान और इनके 2 कमसन भाइयों की कफालत की जिम्मेदारी ले ली है। निजी टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक कमसन फलस्तीनी बच्चे बरा साबिर सलेमान के वालिद साबिर सलेमान इसराइली बमबारी में शहीद हो गए थे और बरा साबिर सलेमान की अपने वालिद के जनाजे के साथ आहो बका करते हुए वीडियो ने दुनिया में इसराइली जहरियत और नहत्ते फलस्तीनियों पर मुजालिम का पर्दा चाक किया था। इस वीडियो में बरा साबिर सलेमान वालिद के जनाजे को देखकर इसराइली मुजालिम पर दुहाई देते और वालिद के जनाजे के आगे गम की हालत में चलते हुए दिखाई दिए। खबीब फाउंडेशन के तर्जुमान ने निजी टीवी चैनल को बताया कि खबीब फाउंडेशन ने अपने प्रोग्राम इकराम यतीम के तहत बरा साबिर सलेमान और इनके 2 कमसन भाइयों की कफालत का जिम्मा ले लिया है। तर्जुमान का कहना है कि खबीब फाउंडेशन के नुमाइंदों ने तीनों भाइयों की दिल जोई के लिए खिलौने और तहाइफ पहुँचाए और अब इनकी कफालत खबीब फाउंडेशन अंजाम देगी। खिलौने और तहाइफ वसूल करते हुए बरा साबिर ने खबीब फाउंडेशन और फलस्तीन के यतीम बच्चों की कफालत में अपना हिस्सा डालने वाले मुखीर हजरात का शुक्रिया अदा किया।